हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको इस क्वेश्चन ऑफ द वीक में पिरामिड क्लिनिक बाय डॉक्टर गिरिधर शेट्टी की ओर से वेलकम करती हूँ। और आज ये वीक में हम एक नया क्वेश्चन लेंगे। हमारे व्यूअर्स हमको हर रोज़ मतलब हर वीक में नए नए क्वेश्चन पूछते हैं और ये अपॉर्चुनिटी देते कि हम उनके क्वेश्चन का उनको आंसर दें और उनको हेल्प कर पाए। तो आज यहाँ पे और एक जन है हमारे साथ, वो क्वेश्चन पूछेंगे और फिर मैं आपको उनके क्वेश्चन से रिलेटेड उसका आंसर बताऊंगी। तो पूछिए मैडम। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे घर में वास्तु में जो किचन रहता है कौन से डायरेक्शन में रहना चाहिए। ओके, तो अभी देखो ये मैडम ने क्वेश्चन पूछा है कि उनको घर वो बना रही है और उनको वहाँ पे किचन कहाँ होना चाहिए वास्तु के हिसाब से बनाना है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी बात है कि वास्तु में जो फाइव एलिमेंट्स के बारे में सबको मालूम ही है, तो जो साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है आपके वास्तु का घर का वो अग्नि कोण होता है और किचन जो है वो अग्नि का काम करता है, यानी आप खाना बनाओगे किचन में गैस रहेगा। तो ये चीज मतलब लॉजिकली आप समझिए कॉमन सेंस के हिसाब से, तो अग्नेय कोण में ही किचन होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में भी किचन चलेगा, लेकिन वो एयर का एलिमेंट है, वहाँ पे किचन नहीं चलेगा। तो मैडम आपका ये जो क्वेश्चन है कि आप कहाँ पे किचन बनाओगे आपके घर में, तो आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस मतलब आपके पूरे घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपको किचन बनाना है। और किचन जब आप बनाओगे तो आजकल मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के हिसाब से लोग ओपन किचन बनाते हैं, यानी किचन को दरवाजा ही नहीं रहता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम का बात है, जिसके वजह से क्या है कंटिन्यूसली किचन की जो एनर्जी है वो लीक होते रहती है। तो सबसे पहले आपको साउथ ईस्ट में किचन बनाना है, किचन को दरवाज़ा होना चाहिए ये ध्यान में रखना है। और जो कुकिंग प्लेटफॉर्म आप बनाओगे जहाँ पे आपका गैस या चूल्हा आएगा, तो वो ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। हम जब भी खाना बनाते हैं तो खाना क्या करता है आपके घर के फैमिली मेम्बर्स को न्यूट्रिशन देता है, गुड हेल्थ देता है। तो हेल्थ का डायरेक्शन जो है वो ईस्ट है, तो कुकिंग प्लेटफॉर्म जब भी आप खाना बनाओगे तो आपको ईस्ट में देखना है। तो आपका गैस कुकिंग का प्लेटफॉर्म जो है वो ईस्ट फेसिंग आएगा और ईस्ट में विंडो रखना है। प्लस उस किचन रूम के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ईशान कोण जो हम लोग बोलते हैं वहाँ पे आपका सिंक आना चाहिए, और सिंक और गैस के बीच में बहुत डिस्टेंस होना चाहिए, वो बाजू बाजू में नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि अग्नि और पानी ये दोनों ही आपस में इनका मेल नहीं होता है। और अगर आपको रेफ्रिजरेटर वगैरह रखना है मतलब फ्रिज, तो लोग पूछते हैं फ्रिज कहाँ रखना चाहिए, तो आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर किचन के जो किचन रूम का साउथ वेस्ट आएगा वहाँ पे फ्रिज रखना है, उसका डोर नॉर्थ की तरफ ओपन होगा ये ध्यान में रखना है। और आपको जो स्टोरेज करना है यानी हैवी स्टोरेज अगर आप किचन में बना रहे हो उसके लिए कुछ व्यवस्था, तो आपको ये देखना है कि वो वेस्ट के डायरेक्शन में आई लाइक ग्रेन्स वगैरह आप रखोगे किचन में स्टोरेज करोगे तो वो वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो आपके यहाँ पे समय समय पे वो फ्रेश मटेरियल घर में आएगा, फ्रेश ख़त्म होगा, यानी कुछ भी बचेगा नहीं, वेस्ट नहीं होगा। और आपको कुछ भी हैवी यानी बर्तन वगैरह जो स्टोरेज करना वो आप साउथ डायरेक्शन में कर सकते हो। अनदर थिंग कि आप जब आपका डाइनिंग टेबल बनाओगे तो वो किचन में आप इस तरीके से बनाइए कि आप बैठोगे जब खाना खाने तो ईस्ट फेसिंग हो सकता है, वेस्ट फेसिंग हो सकता है एंड नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग को अवॉइड कीजिए। और जहाँ तक कि आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं तो टाइम नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं बर्तन रात को ऐसे ही रख देते हैं। तो आप इसका पूरा ध्यान रखिए कि रात को बर्तन ऐसे ही मत रख के ये करना, जब भी आप प्रॉपरली शिफ्ट हो जाओ उस घर में आपका घर कंप्लीट होने के बाद,
तो एक चीज ये ध्यान रखना, अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, पीस चाहिए घर में, आपके बिजनेस बढ़ने चाहिए, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना कि बर्तन रात को ऐसे ही नहीं रख के सो जाना है, क्योंकि उससे बहुत सारी नेगेटिविटी जमा होती है। और जब भी आप आपका दिन शुरू करते हो तो साउथ ईस्ट में एक छोटा सा घी का दिया आप जलाइए और आपका दिन का शुरुआत कीजिए। तो आई होप मैंने आपको किचन कैसे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए और किचन के अंदर क्या चीजें कहाँ आएंगी, इसका आंसर आपको दे दिया है। और अगर आपको डिटेल इसके बारे में और भी कुछ जानना है, समझना है, तो आप मुझे मैप ईमेल कीजिए या हार्ड कॉपी मेरे ऑफिस पे भेज दीजिए, तो मैं देख के आपको और भी डिटेल में बता सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू।